बड़ी खबर, बैंकों के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एक्सक्लूसिव है ये सोर्सेज के हवाले से। और निजीकरण के प्रोसेस में 14 अप्रैल के ऊपर एक बैठक संभव है, यानी कल एक अहम बैठक होने वाली है। असीम के पास पूरा डिटेल है, पहले असीम से बातचीत कर लेते हैं। असीम, क्या है अपडेट आपके पास? देखिए, जो वित्त मंत्री है उसने बजट में ये घोषणा की थी कि सरकार जो है दो बैंकों का निजीकरण जो है वो करने जा रही है। तो जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि ये फाइनल स्टेज में जो है पहुंचने वाला कि वो दो बैंक जो है वो कौन से होंगे। जो नीति आयोग है और जो बैंक वित्त जो RBI के अधिकारी है और जो वित्त मंत्रालय के अधिकारी है वो बुधवार को इसको लेकर के यानी कि कल 12 बजे इसको लेकर के एक अहम बैठक जो है वो करने वाले हैं। जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि नीति आयोग ने 4 से 5 बैंक जो है वो शॉर्टलिस्ट ऑलरेडी जो है वो कर लिए और इस बैठक के अंदर फाइनल जो है नामों के ऊपर फैसला जो है हो सकता है। मैं 4 से 5 बैंक जो आपको उसके नाम जो है बता दूं। इसमें खासतौर पे की बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, इसमें सेंट्रल बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है और इसके अंदर बैंक ऑफ इंडिया है। तो ये 4 नाम है जिनको की शॉर्टलिस्ट करके जो है नीति आयोग ने वित्त मंत्रालय के पास जो है भेजा है। तो कल बैठक जो है होने वाली, इस बैठक में 2 फाइनल नाम जो है निकल करके आ सकते हैं। खासतौर पर की ये देख सरकार ये देखे कि कौन से बैंक को प्राइवेटाइज करना जो है काफी आसान है, उसके एम्प्लॉयज कितने हैं, उसको लेकर के कितनी परेशानी जो आ सकती है। तो उसके आधार पर कल की बैठक में इसके ऊपर फैसला हो सकता है कि कौन से दो बैंक जो है फ्रंट रनर प्राइवेटाइजेशन के लिए सबसे पहले जो होंगे। असीम, अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डाला जाए तो क्या लगता है किस तरह से गवर्नमेंट इसके ऊपर फैसला ले सकती है और क्या क्या डिटेल्स गोइंग फॉरवर्ड आने की उम्मीद हम लगा के चले अगले कारोबारी सत्र के लिए? देखिए, काफी सारे फैक्टर्स हैं जिनको कि देखा जाएगा। सबसे पहले तो उसके एम्प्लॉयज कितना है, उसकी लाइबिलिटीज जो है वो कितनी है, उसके रिलायंस उनको बेचने से कितना पैसा जो है वो आएगा। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो देखना पड़ेंगे। और खासतौर पे कि उस अगर बैंक को प्राइवेटाइज कर रहे हैं तो ट्रेड यूनियन का कितना प्रेशर है, उसका पॉलिटिकल कोर्स उसकी क्या होगी। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो ध्यान में रख करके जो अंतिम फैसला जो है वो लिया जाएगा। खासतौर पर अभी बता दूं कि 4 से 5 बैंकों का नाम जो है शॉर्टलिस्ट करके जो है नीति आयोग ने ऑलरेडी जो है वो भेज दिया। अब फाइनल डिसीजन जो है वो अधिकारियों को करना है कि कौन से बैंक को प्राइवेटाइज करना जो है आसान होगा। तो कल इसके ऊपर अंतिम फैसला जो है हो जाएगा। खासतौर पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र जिसके की बहुत कम एम्प्लॉय है, तो एक फ्रंट रनर जो है ये बैंक जो है हो सकता है। दूसरा बैंक जो है वो फाइनली डिस्कशंस के बाद निकल करके आएगा कि कौन सा बैंक को सरकार दो फाइनली प्राइवेटाइज जो है करने की तैयारी जो है वो कर रही है।